डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ध्यान, जिसे हम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं, इसकी कई टेक्निक्स हैं जिसमें हम अपने शरीर को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो साधारण एक्सरसाइज का तरीका है, जबकि कुछ टेक्निक्स में हम अपने शरीर के स्तर को और ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। हमारे शरीर में क्षमता है हर बीमारी से लड़ने की। आपको क्या लगता है, कोई दवाई हमारे शरीर पर कैसे काम करती है? क्या वो उस बीमारी को मार देती है? बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर मेडिसिंस हमारे शरीर में अच्छा असर करती है, जबकि उस बीमारी को तो हमारा शरीर ही मारता है। मेडिटेशन भी कुछ इसी तरह से है। हमारे शरीर के स्तर को इतना ऊंचा करना, उसमें कई खामियां हैं जिसे सही करना, और इसके बाद हमारा जीवन लंबा होता है। जबकि कुछ टेक्निक्स हमारे दिमाग के लिए होती हैं। मेडिटेशन टेक्निक से हम अपने दिमाग को और ज़्यादा स्थिर बना लेते हैं, जबकि कुछ टेक्निक्स जिन्हें ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो होती हैं बाकी दुनिया का ज्ञान पाना। मेडिटेशन से हम अपनी आत्मा को अपने शरीर से भी बाहर निकाल सकते हैं, और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षय है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ के एक मेडिटेशन सेंटर में काम करता हूँ। इस मेडिटेशन सेंटर को चलाते हैं अजय सर। अजय सर मेडिटेशन में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। वो ज़्यादातर शाम को 6 बजे ऑफिस में आते हैं और यहाँ पर लोगों को मेडिटेशन टेक्निक सिखाते हैं। वो इसी के साथ योग भी सिखाते हैं, लेकिन वो असली काम अपने उस लैब में करते हैं। वहाँ पर उन्होंने कई किताबें रखी हुई हैं, वो जो भी रिसर्च कर चुके हैं उसमें दर्ज करते हैं। उन्होंने बताया है मेडिटेशन से कैसे वो अपने शरीर के अंदर से आत्मा को निकाल लेते हैं और बाहर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। आम तौर पर यहाँ पर आने वाले लोगों को वो ये सब नहीं बताते, लेकिन मैं उन्हें अजय भैया कहता हूँ और उन्हें पिछले 15 सालों से जानता हूँ, इसलिए वो ऐसी बातें अब मुझे बताने लगे हैं। मैं भी उनसे पहले योग सीखा करता था, उसके बाद मेडिटेशन टेक्निक सीखने लगा, और उसके बाद उन्होंने बताया कि कई गुप्त मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जिसके सहारे आत्मा को ना सिर्फ शरीर से बाहर निकाला जाता है, बल्कि ऊपर की कई दुनिया हैं जहां पर हम अपनी आत्मा को भेज भी सकते हैं। मैं यहीं पर योगा सेंटर में उनसे योग और मेडिटेशन सीखा करता था, लेकिन एक बार वो अपनी लैब में भी मुझे लेकर गए थे। उस लैब का दरवाज़ा काफ़ी मोटा था और वहाँ पर उनके फिंगरप्रिंट्स लगते तब जाकर वो दरवाज़ा खुलता। उस दरवाजे के खुलने के बाद मुझे लगा था अंदर कई मशीनें होंगी जो सर पर रखी जाएंगी, इस तरह वो मेडिटेशन करेंगे और आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर दिखाएंगे। लेकिन जब वो दरवाज़ा खुला तो चारों तरफ बस किताबें थी और सामने एक सफ़ेद रंग का मैट बिछाया हुआ था। मैट के ऊपर कुछ निशान बने हुए थे, कुछ सर्कल बने हुए थे। वो इस तरह से थे कि वहाँ पर बैठ कर हम मेडिटेशन कर सकें। उस कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही वहाँ आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। उस कमरे को इस तरह से बनाया गया था कि बाहर की आवाज़ अंदर ना आ पाए और अंदर की आवाज़ बाहर ना जा पाए। ये पहला दिन था जब उन्होंने मुझे ऐसी मेडिटेशन टेक्निक दिखाई थी। मैं उनके साथ बैठ गया था, मेडिटेशन करने लगा था। साधारणतः 15 से 20 मिनट बाद मुझे मन में शांति महसूस होना शुरू हो जाती है। मुझे हमेशा लगा करता था मेडिटेशन से हम अपने शरीर पर सही से कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि शरीर से आत्मा को निकाला भी जा सकता है। मैं तो मानता था जब शरीर से आत्मा निकलती है तो हमारी मौत हो जाती है। उस दिन अजय भैया ने सामने बैठकर अपने शरीर से आत्मा को निकाला था।
वो मेडिटेशन करने बैठ गए और मैं भी उनके सामने आंखें खोलकर मेडिटेशन कर रहा था। इस टेक्निक के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन 20 मिनट बाद उनकी आंखें खुली थी, लेकिन आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ गईं। शरीर कुछ समय के लिए कांपा था और वो वहीं पर इस तरह से हिलकर बैठ गए जैसे शरीर को एक झटका सा लगा हो। उसके बाद वो सांस नहीं ले रहे थे तो मैं थोड़ा सा घबराया। हाथ लगाने के लिए उनके पास गया तो उनका शरीर ठंडा होता जा रहा था और दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा धीमी हो गई थी मानो वो कोमा में चले गए हों। उसके बाद वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहे थे, जैसे कि शरीर में जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है अंत में फेफड़ों को हवा खींचनी ही पड़ती है, मजबूरी में वो इसी तरह चल रहे थे। मुझे लगा यहाँ कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे कंधे पर ठंडक सी महसूस हुई थी जैसे किसी ने हाथ रखा हो। मैंने झपक कर पीछे की तरफ देखा तो कोई मौजूद नहीं था और तभी दूसरे कंधे पर भी ठंडक का एहसास हुआ। मैं डर सा रहा था, ये पहली बार था कुछ ऐसा हो रहा था। मैं भूतों पर यकीन नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मुझे लगा था कोई भूत प्रेत है जो मेरे बहुत करीब है। उसके बाद मैंने सामने पड़ी उस किताब को धीरे धीरे घिसट कर नीचे की तरफ गिरते हुए देखा और इस चीज़ ने मुझे डरा दिया और मैं भागकर उस दरवाजे के पास पहुंचा। उस दरवाजे को खोला नहीं जा सकता था अंदर से भी, उस पर फिंगरप्रिंट्स लगते तभी वो दरवाज़ा खुलता। मैं डर गया था, सहम गया था और मैं चीखने ही वाला था, लेकिन मुझे ये भी पता था इस कमरे से बाहर मेरी चीख नहीं निकलेगी। और सामने मैंने भैया को हिलते हुए देखा, वो थोड़ा सा हिले, उनकी पुतलियां फिर से सही हो गई और एक झटके में वो खड़े हो गए और मुझ पर हंसने लगे थे। मैं घबराया हुआ, मेरे चेहरे पर पसीने आ चुके थे, ऐसा लग रहा था डर ने मेरे अंदर तक कुछ कर दिया हो और मुझसे हिला नहीं जा रहा था। लेकिन अगर आपके सामने कोई आदमी आप पर हंस रहा हो तो आपको शक्ति जगानी पड़ती है, ऐसा ही होता है इंसानी शरीर। मैं खड़ा हो गया था, आंखों में थोड़े से आंसू आए हुए थे, लेकिन भैया को सामने से हंसते हुए देख मेरी भी मुस्कान निकल गई थी। तब भैया बताने लगे, तुम्हें क्या लगा इस कमरे में कोई भूत है जो तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे कंधों पर हाथ रखता जा रहा है, और उस किताब को तुम्हें क्या लगा किसी भूत ने गिरा दिया है? अरे वो तो मैं था, मैंने अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाला था, मैं देख पा रहा था तुम किस तरह से डरे हुए थे, तुम्हें समझ में आ ही नहीं रहा था क्या करना है। मैंने दोनों कंधों पर हाथ रखा, लेकिन तुम्हें शायद अभी तक इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। मैं बाद में सामने गया किताब को गिराने के लिए और उसे देखकर तुम इतना ज़्यादा डर गए। मैं तो अभी बहुत कुछ और करने वाला था, लेकिन मुझे लगा तुम सहन नहीं कर पाओगे और चीखते चीखते शायद बेहोश हो जाओगे, इसीलिए मैं वापस आ गया। उन्होंने ये बताया और मैं हैरान हो चुका था, सच में क्या हमारी आत्मा शरीर से बाहर इस तरह से निकलती है? भैया ने कहा था, हाँ मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, मुझे भी डॉक्टर राजन ने इसी तरह से सिखाया था। डॉक्टर राजन? आप जानते थे डॉक्टर राजन को? भैया ने कहा, हाँ मैं उनका सबसे अच्छा स्टूडेंट था, वो हमेशा मुझे हर चीज़ सिखाया करते। डॉक्टर राजन कौन नहीं जानता था उन्हें, बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट, वो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन सोल पर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कई ऐसी चीज़ें करके दिखाई थीं, कई ऐसी जादू करके दिखाए थे कि पूरी दुनिया के लोग हैरान थे वो कैसे कर पाते थे। वो खुद को एक जादूगर नहीं कहाया करते थे, बल्कि मेडिटेशन करने वाला साधारण सा आदमी बताया करते थे। लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने 50 साल तक ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सोल पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, लेकिन बूढ़ा शरीर ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया था और उन्होंने अपने जानने वालों को 10 दिन पहले बता दिया था कि वो कब मरने वाले हैं, और उसी दिन ध्यान में मग्न होकर वो मर गए थे। मुझे भैया ने बताया कि डॉक्टर राजन उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और उन्हें ये टेक्निक्स उन्हीं ने सिखाई थी। उन्होंने बहुत सारी किताबें दी थी, जिसके बाद वो भी धीरे धीरे दूसरी दुनिया का सफ़र करने लगे। मैंने कहा, भैया मुझे सिखाओ ना, मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन आपको तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है, शरीर से आत्मा बाहर निकाल लेते हो आप, मुझे भी सिखाओ। तो भैया ने कहा,
इसीलिए तो तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं। मुझे किसी और पर भरोसा नहीं था, कोई मेडिटेशन सही तरह से करता ही नहीं। हर किसी को लगता है ये बस नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, 5-10 मिनट लगाते हैं और घर को निकल जाते हैं, लेकिन तुम में कुछ अलग है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं और अब तक तुम ही मिले हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये टेक्निक्स सिखाना चाहता हूं। तो शुरुआत करना चाहोगे? ये पहला दिन था जब उन्होंने वो मेडिटेशन टेक्निक सिखाई थी जिसमें से हम अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालते हैं। मुझे भैया हर रोज कुछ ना कुछ नया बताया करते, लेकिन वो आखिरी दिन था जब उनकी उस लैब में, उस कमरे में मैं गया था। अब तो हम उस सेंटर में रहते। जब वहां पर आने वाले सभी लोग वहां से चले जाते, रात के 8 बजे वो मेडिटेशन करने लगते और वो हमेशा मुझसे कहते कि बस 1 घंटा करनी है, अंधेरा ज्यादा हो जाए तो मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए, अंधेरे में खोने का डर रहता है। सुबह सुबह हम मेडिटेशन तो करते, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आ जाते, इसलिए कुछ समय तक मेडिटेशन करने के बाद हमें लोगों से बात करनी पड़ती। हम लगातार बिना रुके मेडिटेशन सिर्फ रविवार के दिन ही कर पाते थे, और भैया ने मुझे धीरे धीरे ये तक सिखा दिया था कैसे शरीर से आत्मा बाहर निकाली जाती है। ये पहला दिन था जब मैं पूरी तरह से तैयार था अपनी आत्मा शरीर से बाहर निकालने के लिए। रविवार का दिन था, सुबह के 6 बजे हम लगे थे और 7 बजे तक मैंने अपनी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया था और आत्मा शरीर से इस झटके से बाहर निकलती है। मैंने वो दुनिया देखी थी, मैंने जैसे अपने शरीर को सामने देखा था और उससे निकली हुई आत्मा यानी कि मैं बाहर से देख पा रहा था। तब मुझे महसूस हुआ था कि शरीर मैं नहीं हूं, वो तो सामने पड़ा है, मैं तो आत्मा हूं। हमेशा से अपने शरीर से मुझे लगाव रहा है, लेकिन आज पहली बार महसूस हुआ था मेरा व्यक्तित्व, मेरा स्वभाव, मैं ये आत्मा हूं, वो शरीर नहीं हूं। वो शरीर कभी ना कभी मुझसे छूट ही जाएगा। वहां मैं सब कुछ देख पा रहा था। थोड़ा सा चलकर मैं बाहर सड़क पर गया था, लोगों को देख पा रहा था, उनकी बातें सुन पा रहा था, जबकि मेरा शरीर तो अंदर सेंटर में ही पड़ा था। मैंने भैया को भी देखा था, मेरे करीब आकर हंस रहे थे। बाहर की दुनिया साधारण नहीं लगती, बड़ी अजीब सी दिखती है। वो लोग मुझे देख तो रहे थे, लेकिन उनके अंदर से एक रंग निकल रहा था, पीले रंग का, कुछ में लाल रंग निकल रहा था और कुछ में हरा। मैंने भैया से पूछा था ये क्या होता है, तो भैया ने कहा कि किसी के शरीर में कितनी ऊर्जा है ये रंग से निर्भर होती है। जिसका भी रंग ज्यादा लाल है उसमें ऊर्जा तो है लेकिन गुस्सा भी बहुत है, जिसका रंग हरा हो जाता है वो बहुत ही ठंडे स्वभाव का होता है और ऊर्जा भी दबी दबी सी होती है, जबकि सफेद ऊर्जा बिल्कुल शुद्ध होती है और बहुत दूर तक जाती है। सफेद ऊर्जा वाले तुम्हें बहुत ज्यादा कम नजर आएंगे। ध्यान से मेरे शरीर की तरफ देखना, कौन सी ऊर्जा निकल रही है? भैया के शरीर से सफेद रंग की ऊर्जा निकल रही थी और मैंने अपनी तरफ देखा तो लाल रंग की ऊर्जा थी। मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। नहीं भैया, ये तो कुछ और हो सकता है, मैं इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करता, तो भैया हंसने लगे थे। इसके बाद हर रविवार हम यही सब करते। भैया मुझे हर बार नई नई चीज बताने लगे थे और कुछ महीनों बाद मैं अपने शरीर से आत्मा को बड़ी आसानी से निकाल पाता था। समय कम ही लगता था, लेकिन भैया हर बार मुझे सचेत करते थे, शरीर से जब आत्मा बाहर निकलती है तो शरीर अकेला पड़ जाता है, हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है, आत्मा शरीर से बहुत ज्यादा दूर नहीं जानी चाहिए, वरना दोबारा शरीर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर आना और भी मुश्किल हो जाता है, और अगर आत्मा शरीर से बहुत ज्यादा दूर हो तो पीछे शरीर खत्म भी हो सकता है, कोई उसे मार सकता है, और कई बार इसी शरीर में कोई और आत्मा भी आ जाती है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। हम इस समय हमारी इसी दुनिया में मौजूद हैं, हमें ज्यादा खतरा नहीं है, बस अपने शरीर को बचाकर रखना है, ऐसी जगह पर मेडिटेशन करनी है जहां पर शरीर को खतरा ना हो और कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, भैया मुझे और टेक्निक्स बताते गए शरीर को ताकतवर बनाने की, अपने दिमाग पर और ज़्यादा नियंत्रण करने की। मेरे शरीर में भी धीरे धीरे सफ़ेद रंग निकलना शुरू हो गया था, मैं और ज़्यादा संयमित होना शुरू हो गया था। उसके बाद भैया ने मुझे आगे की बातें भी एक दिन बताई थी। उन्होंने कहा, हमारी ये दुनिया है, इसके बाद और भी दुनिया आती है,
वो अंधेरे रास्ते जहां से हम इस दुनिया से और आगे निकलते हैं। और भी कई दुनिया हैं, एक तो पलटी हुई दुनिया है, उसे हम पलटी दुनिया कहते हैं। वहां पर भूत प्रेत भी होते हैं और पलटी दुनिया में खास तौर पर तभी जाया जाता है जब कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो, जब हमें इतिहास का कुछ जानना हो, लेकिन वहां पर जाना जरूरी नहीं होता। मैं भी वहां पर बहुत कम बार गया हूं और जल्दी जल्दी वापिस आ गया हूं। उसके बाद भी और कई दुनिया होती हैं, अंधेरी दुनिया के पार वो पलटी दुनिया और पलटी दुनिया के पार और एक अंधेरी दुनिया होती है, उसके आगे और भी ज्यादा काले समंदर आते हैं। मैं वहां पर कभी नहीं गया, लेकिन डॉक्टर राजन गए थे। डॉक्टर राजन तो 50-60 सालों से इसी तरह टेक्निक्स का इस्तेमाल करते रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ दर्ज किया था, मेरे पास किताबें हैं लेकिन मैं उन्हें पढ़ता नहीं। डॉक्टर राजन ने कहा था उतना ही पढ़ना जितना तुम जानना चाहो, ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नुकसान पहुंचाता है। एक एक कदम खुद बढ़ाओ, खुद सीखो, इसीलिए तुम्हें मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूं। भैया की बातों पर मुझे यकीन था, लेकिन भैया अब ज्यादा समय तक मेडिटेशन करने लगे थे, वो और ज्यादा जानना चाहते थे, मैं जानता था। जैसे जैसे हम ज्यादा चीजों के बारे में पता करते जाते हैं, लालच बढ़ती जाती है और ज्यादा सीखने की। भैया मुझे थोड़ा कम बताते और खुद मेडिटेशन में मग्न रहते। आम तौर पर हम एक घंटे के लिए ही मेडिटेशन करते और वापस नॉर्मल जिंदगी जीने लगते। लेकिन ये रविवार का दिन था, जनवरी का महीना था, बाहर धुंध घिरी हुई थी और भैया सुबह 6 बजे मेडिटेशन करने लगे थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, लेकिन 6 बजे के बाद 8 बजे तक भैया उठ नहीं रहे थे। कभी 2 घंटे के लिए भैया इस तरह से मेडिटेशन के अंदर मग्न नहीं हुए। वो हिल नहीं रहे थे, शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ गया था, दिल की धड़कन और ज़्यादा धीमी होती जा रही थी और वहाँ पर आने वाले स्टूडेंट, उन्हें मैं सही से समझा नहीं पा रहा था भैया को हुआ क्या है। 10 बजे मैं घबराया घबराया सोचने पर मजबूर हो गया था क्या करूँ। लगभग 10 बजे ही मैंने फ़ोन घुमा दिया था अस्पताल में। मैं उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाना चाहता था और डॉक्टर ने उन्हें देखते ही कह दिया, ये तो कोमा में चले गए हैं, इनके लिए खास ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन्हें ना तो कोई चोट लगी, ये कोमा में कैसे चले गए। मैंने कहा, भैया मेडिटेशन किया करते थे, आपको पता ही होगा मेडिटेशन टेक्निक्स का वो इस्तेमाल करते हैं, सबको सिखाते हैं, लेकिन ये थोड़ी अलग मेडिटेशन है, मैं आपको बता नहीं सकता, बस उसके बाद से ये उठ नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा, अच्छा मैंने देखे हैं कई लोग ऐसे जो मेडिटेशन करते हैं उसके बाद कोमा में चले जाते हैं, शायद उनकी कोई गलती होती है या कुछ होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन बिना चोट के वो जैसे कोमा में चले जाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो फिर जिंदा बचते हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना होगा। वहाँ जितनी भी नर्स थीं वो भैया को देखे जा रही थी और मेरी आँखों में आंसू आ गए थे। भैया के परिवार वाले भी वहाँ पर आ चुके थे और वो मुझसे सवाल किए जा रहे थे, क्या हुआ वहाँ पे, किसी से झगड़ा हुआ था। मैंने कहा, नहीं झगड़ा नहीं हुआ, बस मेडिटेशन करते करते वो ध्यान में ज़्यादा मग्न हो गए, उठे नहीं, तो मैंने अस्पताल फ़ोन लगा दिया और यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं कि ये कोमा में चले गए हैं। दोपहर के 2 बजे तक मैं घबराया हुआ था, शरीर की धड़कन को वहाँ डॉक्टरों ने संभाला हुआ था, वरना उनका शरीर तो बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता और शायद उनकी मौत भी हो जाती। मैं ये तो जानता था उन्होंने अपनी आत्मा को वहाँ दूसरी दुनिया में भेजा होगा, ज़्यादा आगे नहीं गए होंगे, लेकिन कुछ तो हुआ जिस कारण वो कोमा में चले गए। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो ज़्यादा बता नहीं रहे थे, समय के साथ बताते, लेकिन अभी कुछ हो गया है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वहाँ मैं भैया के पास 4 बजे बैठा था और मेरा दिल सहमा हुआ था, ऐसा लग रहा था वो उठने नहीं वाले, इस तरह से बिना चोट के कोई कोमा में नहीं जाता, और डॉक्टर ने मुझे बातों बातों में बहुत ज़्यादा डरा दिया था। उन्होंने कहा था दिल की धड़कन बहुत कमज़ोर सी हो गई है, दिमाग चल नहीं रहा है और हो सकता है इनका शरीर काम करना जल्दी ही बंद कर दे। मैं जानता था बिना आत्मा के शरीर समय पर जैसे साथ छोड़ ही देता है, उनकी आत्मा जल्दी ही वापिस आनी चाहिए, लेकिन मुझे तो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है, मैं क्या करूं? एक पल के लिए मैं सोच रहा था उनकी उस लैब में चला जाऊं, लेकिन मन में ख्याल था लैब का दरवाज़ा खोल नहीं पाऊंगा,
वहां पर कोई कोड नहीं लगता बल्कि फिंगरप्रिंट चलते हैं और भैया को उठाकर वहां तक मैं ले जा नहीं सकता, तो ये प्लान तो काम नहीं करेगा। मैं क्या करूं, भैया को कोमा से वापस कैसे ला सकता हूं? और तभी मैंने भैया की फड़कती हुई उंगली देखी। उनका एक हाथ जैसे कांप रहा था और कुछ कह रहा था। बार बार वो उंगली को हिलाते, मैं उनका हाथ पकड़ता, वो हिलाकर कुछ बताने की कोशिश करते। मैंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा, कोमा में ऐसा होता है, आमतौर पर जैसे थोड़ा सा दिमाग चलता है तो वो नॉर्मल बिहेव करता है। ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, कोमा से बाहर नहीं आए हैं, ये पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कहे जा सकते, अभी भी हालत थोड़ी सी कमज़ोर ही है और ये खतरे में अब भी हैं। डॉक्टर तो वहां से चले गए थे, लेकिन मैं सोच रहा था, सच में मुझे अभी तक अपने आसपास कोई महसूस नहीं हुआ। उनकी आत्मा अगर शरीर से बाहर है तो कुछ महसूस तो वो हमारी इस दुनिया में नहीं हो सकते, या कहीं भटक ही तो नहीं गए। क्या करूं, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनका हाथ बार बार फड़के जा रहा था तो मैंने बेवकूफी भरा एक डिसीजन लिया। मैंने हाथ के पास में एक नोटबुक रख दी, उनके हाथ में एक पेन पकड़ा दिया, जैसे आंखें बंद होने के बावजूद वो कुछ लिख पाएंगे। वहां उन्होंने शब्द लिखे थे, उन्होंने लिखा, मुझे वापस ले जाओ। मैंने जैसे ही ये पढ़ा, मैं एकदम से सन्न सा हो गया। कुछ पल के लिए तो स्तब्ध रहा, मैं उनके चेहरे की तरफ देख रहा था, आखिर वो मुझे बताना क्या चाहते हैं। लेकिन तभी मन में ख्याल आया, 6 महीने पहले उन्होंने बताया था, जब हमारी आत्मा कभी शरीर से ज़्यादा दूर चली जाती है तो वो वापस वो कनेक्शन बना नहीं पाती है, तब ज़रूरी होता है किसी और के पास भी ऐसी मेडिटेशन की टेक्निक हो और वो भी उस दुनिया में आए और हाथ पकड़कर वापस लेकर जाए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। कभी कभी आत्मा भटक जाती है, सही रास्ता ढूंढ नहीं पाती है, तो क्या वो मुझे यही बताना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने कभी बताया नहीं कि इस तरह से शरीर बता भी सकता है, तो मैं थोड़ा घबरा सा गया था। लेकिन अब शायद उनकी मदद के लिए और कोई नहीं था। उन्होंने कई नाम बताए थे, कई डॉक्टर जो मेडिटेशन करते हैं, जो इन टेक्निक्स को जानते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो भैया से थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो भारत में मौजूद नहीं हैं। कुछ इंग्लैंड में हैं तो कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। उनके नंबर भी मेरे पास नहीं है, और अगर मैं उनके नंबर ढूंढूंगा भी, शायद उनको फ़ोन ना लगा पाऊँ, कुछ समय बर्बाद हो जाए, और हमारे पास समय बहुत कम था। मैं घबराया हुआ कुछ समझ नहीं पा रहा था, और तभी लगभग रात के 8 बजे भैया ने बताया था, अंधेरे में कभी भी दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर 8 बजे हमारे पास आए थे और कहने लगे थे, दिल की धड़कन काफ़ी कमज़ोर है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा इंजेक्शन लगाऊं, इनका शरीर सही से चल ही नहीं रहा, और मुझे लग रहा है जिस तरह से ये ज़्यादा धीमा होता जा रहा है, कल की सुबह मुश्किल ना हो जाए, अगर दिल की धड़कन ही ना चली तो इन्हें मृत घोषित करना ही पड़ेगा। मैं घबरा सा गया था, मैं जानता था मुझे करना क्या है, लेकिन समय नहीं था। भैया ने कहा था रात के समय ऐसा नहीं करना है, लेकिन मुझे तो रात को ही ये करना होगा। मैं रात के समय सेंटर गया था, भैया को छोड़कर वहां से मुझे एक रास्ता ढूंढना था। मैंने वहां से मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। मैं अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालना चाहता था और भैया को ढूंढना चाहता था। यहाँ जब भी हमारी आत्मा एक शरीर से बाहर निकलती है, और ख़ास तौर पर मेडिटेशन के ज़रिए, तब एक लिंक बना होता है, और वो लिंक हमारे शरीर और आत्मा के बीच होता है। अगर उसे फॉलो किया जाए तो आत्मा को ढूंढा जा सकता है, भैया ने बताया था, और उस लिंक को ढूंढने के लिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रहना पड़ता है। उस दुनिया में ज़रा सा ध्यान भटका और वो लिंक दिखना बंद हो जाता है, और वहाँ आत्मा इस तरह से मूव हो रही होती है, वो लिंक कभी कभी भटक जाता है, या कहें दिखता नहीं है, और उसके बाद फिर से शरीर से शुरुआत करनी पड़ती है, लिंक में आगे बढ़ना पड़ता है। मैंने सोचा अंधेरा तो है, मुझे सफ़र भी थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, सेंटर में मुझे कोई तंग नहीं करेगा, और यहाँ से मुझे मेडिटेशन स्टार्ट करनी होगी, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना होगा, मुझे अस्पताल में जाना है। अस्पताल ज़्यादा दूर नहीं था, 1 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन फिर भी इतना सफ़र मुझे दूसरी दुनिया में करना था। भैया ने बताया था डरने की ज़रूरत नहीं होती उस दुनिया में, लेकिन चलो जाकर देखते हैं। मैंने 20 मिनट ही मेडिटेशन की थी और मेरी आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी।
ये वही दुनिया थी। अब इस दुनिया में मुझे अस्पताल जाना था और बड़ी जल्दी ही मैं अस्पताल पहुंच गया। चलकर जाने में और आत्मा को उस जगह पर पहुंचने में काफी फर्क का एहसास होता है। हमारी आत्मा सफर बहुत तेज कर सकती है। अस्पताल में मैं भैया के शरीर को देख पा रहा था और मुझे उस रोशनी से ही पता चल गया था उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकली हुई है, लेकिन मुझे वो लिंक नजर नहीं आ रहा था। मैंने मेहनत की वो लिंक देखने की, मुझे वो लिंक दिख रहा था। अब मैं उसी के सहारे सामने की तरफ बढ़ने लगा। पहले मुझे लगा था उनकी आत्मा इसी दुनिया में होगी, थोड़ी भटकी होगी, लेकिन वो लिंक जा रहा था उस अंधेरे रास्तों पर। मैं थोड़ा सा घबरा गया था। भैया ने बताया था अंधेरे रास्तों में कदम मत रखना, वहां पर बहुत खतरा होता है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अंधेरे रास्तों पर कदम रखने से भैया ने मना किया था और भैया की आत्मा ही उस अंधेरे रास्ते में कहीं गई हुई थी। कुछ समय सोचने के बाद मैं उस लिंक को फॉलो करने लगा। हमारी ये दुनिया वहाँ पर भी साधारण सी नज़र आती है, कुछ धुंधली धुंधली सी, सब कुछ तेज़ी से बढ़ता हुआ। और जब अंधेरी दुनिया शुरू होती है, वहाँ कदम रखते ही हमारी ये दुनिया बिल्कुल रुकी सी दिखती है। हर कोई जो चल रहा होता है, घड़ी की सुई जो हिल रही होती है, वहाँ कदम रखते ही वो सुई रुक जाती है, यानी हमारी दुनिया का समय बिल्कुल रुक सा जाता है। हमारी आत्मा अंधेरी दुनिया में कदम रखती है और यहाँ का समय बिल्कुल रुक सा जाता है। और मैंने भी वो कदम रख दिया था। सब कुछ जो हिल रहा था, जो गिर रहा था, वहीं सहम सा गया और मैं उस लिंक को देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा था। ये पहली अंधेरी दुनिया थी, चारों तरफ अंधेरा था और एक गुफा सी नजर आ रही थी, जिसके सहारे वो लिंक को देखते हुए मेरी आत्मा भी आगे जाए जा रही थी। आसपास की हर चीज आंखों के सामने से इतनी तेजी से गुजरती जैसे बहुत तेज रफ्तार की कोई गाड़ी चल रही हो। आसपास मुझे पेड़ भी दिखते, आसपास मुझे कुछ चेहरे भी दिखते, मुझे समंदर दिखता, मुझे आसमान दिखता और वो बड़ी तेजी से आंखों के सामने से गुजर सा जाता। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष में मैं सफर कर रहा हूं, लेकिन भैया ने बताया था ये अंतरिक्ष नहीं है। हम अपने ग्रह को छोड़कर कहीं नहीं जाते, बल्कि होते यहीं पर हैं। अंधेरी दुनिया जो एक अलग सा आयाम है, हम वहां की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। उस लिंक के सहारे, उस अंधेरे रास्ते से मैं एक जगह पर पहुंचा जिसे देखते ही मैं डर सा गया था। ये ऐसी जगह थी जिसके बारे में भैया ने मुझे बताया था और मैं इसे देखना नहीं चाहता था। मैंने सोचा हुआ था पूरी जिंदगी में मैं इस दुनिया को कभी नहीं देखूंगा। भैया ने भी कहा था यहाँ आना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन ये लिंक इसी तरफ बना हुआ था। डरा सा मैं उसे देख रहा था। वहाँ हर चीज़ थी हमारी दुनिया जैसी, लेकिन कुछ पलटी पलटी सी थी। वहाँ घड़ी की सुई उल्टी चल रही थी। भैया का शरीर वहां पर पड़ा तो था, लेकिन सब कुछ उल्टा चल रहा था, जैसे समय पीछे की तरफ बढ़ रहा हो। भैया ने बताया था ये पलटी दुनिया है, इसमें इतिहास में हुई घटना के बारे में हम पता कर सकते हैं। मैंने पूछा था कैसे पता कर सकते हैं, उन्होंने बताया नहीं था। उन्होंने कहा इसके बारे में कम ही जानो, यहां तक जाना अच्छा नहीं होता। मैं वहीं पर था, पलटी दुनिया है ये। यहां पर अजीब से कण हवा में उड़ रहे थे। ऐसा एहसास था जैसे दम थोड़ा सा घुट रहा हो, लेकिन आत्मा को ऐसा एहसास नहीं होता। भैया ने कहा था आत्मा ना सांस लेती है ना उसे भूख लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था किसी ने गला घोंट रखा हो, सांस लेने में परेशानी हो रही थी। घड़ी की सुई बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ घूम रही थी और धीरे धीरे मैं वहाँ अस्पताल से बाहर निकला। मैंने कुछ लोगों को उल्टा चलते हुए देखा। मैं जान गया था पलटी दुनिया में सब कुछ उल्टा चलता है, और ये भी पता चल गया था इतिहास की घटना यहाँ पर पता कैसे कर सकते हैं। समय उल्टा चलेगा, हम इंतज़ार करेंगे और धीरे धीरे इतिहास में पहुँचेंगे, वहाँ हुई घटना को उल्टी देखेंगे और जान पाएंगे हुआ क्या था। यहाँ पर मेरा ध्यान पड़ा कि साधारण चीज़ें ही नज़र नहीं आ रही, कुछ और भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे धुंधली धुंधली सी परछाइयाँ नज़र आ रही थी। ये इंसान नहीं थे, कुछ और ही थे, और वो इधर उधर भटक से रहे थे। एक परछाई को मैं पहचान गया था, वो उस आदमी की परछाई लग रही थी जिसकी मौत कुछ घंटे पहले हुई थी, डॉक्टर ने बताया था। मैंने उस चेहरे को देखा था,
शायद ये उसकी आत्मा होगी। ये आत्माएं हैं, ये सफेद परछाइयां नहीं है बल्कि आत्माएं हैं जो यहां पर घूम रही हैं। भैया ने बताया था आत्मा को हम इस तरह से दूसरी देख नहीं सकते। जो भी मेडिटेशन की जिंदा आत्मा होती है वो हमारी दुनिया में नजर आती है, इस तरह की आत्मा नहीं नजर आती। शायद पलटी दुनिया में नजर आती है। इसके आगे वो काला समंदर भी होगा। मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं लगा रहा था क्योंकि जैसे ही किसी चीज के बारे में आप सोचने लगते हैं वही दुनिया आपके ज्यादा करीब आने लगती है। मैं ध्यान उधर कर ही नहीं रहा था, मेरा ध्यान तो उस लिंक की तरफ था जो यहीं पर था। अब इसके आगे भी वो बढ़ रहा था। मैं उस लिंक के सहारे एक तरफ जाना चाहता था। मैं उस लिंक पर ज्यादा ध्यान लगाने लगा तो वो लिंक इस पलटी दुनिया से भी आगे निकल रहा था। मैं जैसे जैसे लिंक के सहारे और आगे गया तो इस पलटी दुनिया से भी मैं आगे बढ़ने लगा था। काला काला सा होने लगा था सब। ये अंधेरी दुनिया के पार, उस पलटी दुनिया के पार काले समंदर का रास्ता था। काले समंदर की तरफ जा रहा है लिंक, लेकिन अभी लिंक बना हुआ है, यानी वो मरे नहीं है, आत्मा जुड़ी हुई है। लेकिन इतनी दूर वो क्यों निकल आए? यहां से वापस आना उन्होंने बताया था बहुत मुश्किल होता है, असंभव के समान। यहां बहुत चालबाजी होती है, उस चालबाजी से बचना पड़ता है। लेकिन उस काले समंदर के बिल्कुल किनारे मैं जैसे उस समंदर की तरफ खींच रहा था। एक अलग सी शक्ति थी जो आपकी आत्मा को खींचती हो। मैं धीरे धीरे उस तरफ खींचता दिख रहा था और तभी मुझे वो लिंक भी नजर आ रहा था जो समंदर के अंदर की तरफ गया हुआ था। भैया की आत्मा जरूर वहां अंदर होगी, क्या मैं उन्हें वापस ला पाऊंगा? उन्होंने कहा था दूसरी आत्मा की जरूरत पड़ती है, एक आत्मा में कभी ऐसी शक्ति नहीं होती। जब दो आत्माएं एक दूसरे का साथ देती हैं तो बड़े बड़े रास्तों से भी आसानी से गुजरा जा सकता है। मैं उस काले समंदर के बिल्कुल किनारे पर था और थोड़ा सा खींच रहा था। मुझमें शक्ति थी, मैं उससे बचा हुआ था और यहीं पर मैं काले समंदर को थोड़ा महसूस करना चाहता था। इतना पार मैं कभी नहीं आया था और तभी मेरे कंधे पर कुछ जकड़न सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे कंधे को जकड़ रखा हो। मैं एक तरफ मुड़ नहीं पा रहा था और तभी कंधे को झटक कर मैं पीछे देखने लगा। सफेद रंग की परछाई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। ये कोई आत्मा थी जो यहां पर खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। मैं नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन उसने मुझे डरा सा दिया था, मेरा ध्यान भंग कर दिया था और मेरे कदम हिलने लगे थे। उस काले समंदर की तरफ मैं खींच रहा था, बस उस सफेद परछाई ने दोबारा से जैसे मुझे पकड़ लिया और उस काले समंदर में जाने से मुझे एक तरफ खींचने लगी और बाहर की तरफ ले आई। उस पलटी दुनिया में खींचकर उसने मुझे सही जगह पर रख दिया था और मुझे अब वो लिंक भी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि मैं काफी डर गया था उसके छूने के कारण। तभी उस परछाई ने एक अजीब मध्यम सी आवाज में कहा, जल्दी चलो, हम बचेंगे नहीं, जल्दी चलो। मैं उस आवाज को पहचान तो नहीं पाया था, लेकिन वो बार बार यहां से जाने को कह रही थी। आत्माओं का चेहरा नहीं होता, मैं उसे पहचान नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उससे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। ये सफेद रोशनी भी थी और उसकी कई लेयर्स बनी हुई थी। भैया ने कभी बताया नहीं कि पलटी दुनिया में हमारी जो आत्मा होती है उसकी रोशनी कैसी होती है, क्या यहाँ पर रोशनी बदलती भी है, अलग अलग ऊर्जा भी छोड़ती है? लेकिन वो आत्मा काफी मध्यम आवाज में बोल रही थी, जैसे किसी डिब्बे में बोल रही हो और वहां से छनकर आवाज आ रही हो। कानों के पास जैसे आवाज आ तो रही थी, लेकिन फिर भी भ्रम जैसा एहसास दे रही थी। वो बार बार परछाई कह रही, जल्दी चलो, यहां पर समय बिताने से इतिहास में पहुंचते जाओगे और वापिस आने में समय बहुत लगेगा, जल्दी करो, तुम मुझे ढूंढ पाए हो। तभी मैंने उस आत्मा से निकलने वाली एक रोशनी देखी। ये लिंक की रोशनी थी, लेकिन काफी पतली सी थी। उनका लिंक बहुत पतला हो गया होगा और ये जरूर कोई जिंदा आत्मा ही होगी, तभी इसका लिंक है। तो मुझे लगा था कि ये भैया की आत्मा ही है। ये लिंक हमारी दुनिया की तरफ जाता था। मैं उस आत्मा का हाथ पकड़े दोबारा से काली अंधेरी दुनिया में चला गया। वो रास्ते से वो लिंक मुझे दिख रहा था जो कहीं जा रहा था। मुझे शक भी था ये कोई और आत्मा ना हो, मैं किसी और को खींचकर हमारी दुनिया में ना ले आऊं, लेकिन फिर भी अंधेरे रास्ते से आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि ये भैया की आत्मा ही है। ये लिंक भी काफी बारीक सा है,
भैया की आत्मा का लिंग काफी मोटा था, ये बारीक सा लिंग कैसे है? मेरे इस सवाल का जवाब उस आत्मा ने दिया, मैं मरने वाला हूं, मेरा लिंक बहुत कमजोर हो गया है, तुम्हें जल्दी करनी होगी। मैं मर गया तो आत्मा दोबारा शरीर में पहुंच नहीं पाएगी और तुम्हारा यहां आना व्यर्थ हो जाएगा। जल्दी चलो, मैंने तुम्हें वो इशारा किया था, जल्दी चलो वरना मैं मर सकता हूं। मैंने वो लिंक देखा, भैया के शरीर की तरफ जा रहा था, उनके शरीर के अंदर जा रहा था। ये भैया की आत्मा ही हो सकती है, कोई और आत्मा इस तरह से लिंक थोड़े ना बना पाएगी। जल्दी से मैं उस आत्मा को खींचकर हमारी इस दुनिया के अंदर भैया के शरीर में फेंक पाया था। जैसे ही वो आत्मा भैया के शरीर में गई, भैया का शरीर तड़पने लगा था। यहां पर मशीन बीप करने लगी थी और चारों तरफ नर्सेस आ गई थी। भैया के शरीर को इस तरह से हिलते हुए देख वो बार बार फोन लगा रही थी, लेकिन मुझे भी जल्दबाजी थी, मुझे भी अपने शरीर के अंदर जाना था। भैया ने बताया था ज़्यादा समय तक शरीर से बाहर आत्मा को नहीं रखना चाहिए। हम अभी मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा कच्चे हैं, बहुत सीखना है हमें, इसीलिए मैं वो बात को हमेशा याद रखता था। मैं जल्दी जल्दी अपने शरीर के पास जा रहा था और किसी तरह मैंने जल्दी करके शरीर के अंदर आत्मा को भेज ही दिया। मैंने जैसे ही आंखें खोली, मेरा दम थोड़ा सा घुट रहा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। यहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी और काफ़ी समय तक मैं हाथों को मलता रहा शरीर को गर्म करने के लिए। उसके बाद मैं हीटर के पास बैठा रहा, फिर भी शरीर गर्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आधा घंटा लग गया था मुझे वहाँ शरीर गर्म करने को। उसके बाद मुझे अस्पताल के लिए निकलना था। ये रात का समय हो गया था और अब मैं अस्पताल में पहुंचा था तो वहां पर भगदड़ मची हुई थी। मैं नहीं जानता था इस तरह से इतनी ज़्यादा भगदड़ क्यों मची हुई है, लेकिन एक नर्स मेरे पास आई। वो मुझे बताने लगी कि अजय सर जिंदा हो गए हैं, वो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, जैसे कोमा से बाहर आ गए हों। वो बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और मैं भागता हुआ उनके रूम की तरफ जा रहा था। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, वहां अजय भैया सामने बैठे हुए थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे। उनकी मुस्कान ने ही बता दिया था मैंने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया था। उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें किस दुनिया से बचाकर यहां पर ले आया था। वहां पर भैया के जितने भी परिवार वाले थे वो सब डॉक्टर को धन्यवाद कर रहे थे, जबकि भैया की मुस्कान मेरी तरफ ही थी। वो बस बार बार हंसे जा रहे थे कि कैसे सब डॉक्टर की तारीफें कर रहे हैं, लेकिन असली काम तो मैंने किया था। तब मैं भैया के पास गया, उनका गला थोड़ा सा बैठा हुआ था, वो सांस लेने में परेशानी महसूस कर रहे थे, आवाज़ भी बदली बदली सी लग रही थी जैसे उनका गला बैठ गया हो, लेकिन फिर भी वो मध्यम मध्यम आवाज़ में मुझे कह रहे थे, धन्यवाद तुम वहाँ पर आ गए, वरना मेरा बचना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा, भैया आप वहां गए क्यों? आपको पता है ना इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना है, और पलटी दुनिया के पार काले समंदर की तरफ आपको वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो भैया ने कहा, मैं सोच रहा था कुछ ज्यादा सीख कर आऊं, मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था, वहां मैंने पढ़ा कि वहां से वापस आने का एक तरीका है, एक छोटी सी ट्रिक भी है, तो मैं उस ट्रिक को अपनाने के लिए वहां पर चला गया और वहां जाकर महसूस हुआ रास्ता भटक ही गया हूं, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा था, काला समंदर, हर तरफ काला समंदर, और पलटी दुनिया में बस पैर रख पा रहा था, और वहीं से तो तुम्हें मैंने बताया, मैं तुम्हें पहचान गया था कि तुम मुझे बचाने के लिए आए हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा और तुमने बिल्कुल सही किया, तुम पहचान गए थे ये मैं ही हूं, अगर गलती हो जाती तो शायद मैं मर ही जाता। उसके बाद डॉक्टर दूर से आवाज लगाने लगे, देखो पेशेंट को छोड़ दो, उसे थोड़ा आराम करना है, और सभी आराम करो, अभी रात का वक्त है, वो कोमा से बाहर आ गए हैं, बिल्कुल सही हैं, अब डरने की बिल्कुल बात नहीं, खतरे से वो बाहर हैं। तो मैं भी अब अस्पताल से घर आ गया था और खुशी खुशी अब मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी। अगले दिन मैं फिर से अस्पताल पहुँच गया, भैया से कुछ बातें की और अभी सेंटर मुझे ही संभालना था। कुछ दिन और लगे और भैया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अब भैया का मन मेडिटेशन करने का बिल्कुल नहीं था। भैया बार बार कह रहे थे, देखो मेडिटेशन के बारे में मुझे पता तो बहुत है, लेकिन अब मन नहीं कर रहा, वो दुनिया देखकर अब डर सा लग रहा है,
मैं जिंदगी को थोड़ा सा जीना चाहता हूँ, अब मुझे मजा नहीं आ रहा मेडिटेशन में, जिंदगी को जीना ज्यादा अच्छा होगा, मैं थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ। 10 से 15 दिनों बाद भी वो मेडिटेशन करना नहीं चाहते थे, सेंटर में आना नहीं चाहते थे, ज़्यादातर तो वो घूम ही रहे थे, वो शहर में घूम रहे थे और उन्होंने टिकट्स भी बुक करवा ली थी, वो इंग्लैंड जाकर घूम कर आना चाहते थे, उन्होंने ज़्यादातर प्लान घूमने के ही बना रखे थे। उनका स्वभाव बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा परेशानी मुझे कुछ और चीज़ की हो रही थी। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसपास कुछ घटनाएं हो रही हैं, मेरे शरीर के पास ठंडे से एहसास होते, बार बार मेरे पास पड़े बर्तन गिर जाते, किताबें गिर जाती, कभी कभी मेरी अलमारी से सामान हिला हुआ होता, कई बार मेरा मोबाइल मेरे हाथ से ही फिसल कर ऐसे गिरता जैसे किसी ने खींच लिया हो। ठंडे ठंडे हाथों का एहसास मुझे पीठ पर होता ही रहता। मुझे लगने लगा था मैंने उस दुनिया का सफ़र कर लिया है जहाँ से भूतों ने मेरे साथ जुड़ाव कर लिया होगा। भैया बताया करते थे भूत उस दुनिया में रहते हैं और वहाँ से जुड़ाव करके कभी कभी हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। हो सकता है भूतों ने मेरा पीछा किया हो और अब वो मेरे बेहद करीब आ गए हों, मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। धीरे धीरे भूतों का एहसास बढ़ता जा रहा था और अब मैं मेडिटेशन करके अपनी आत्मा को वहाँ अलग नहीं करना चाहता था, क्योंकि जैसे ही मैं अपनी आत्मा को शरीर से अलग करता तो उन भूतों को मैं देख पाता और मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा डर। भैया बताया करते थे हमारे शरीर पर कभी कभी भूत कंट्रोल कर सकते हैं जब हमारे आत्मा शरीर से बाहर हो। मुझे लग रहा था ये भूत मेरी आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं, इन्होंने उस काले समंदर से ही मेरा पीछा किया होगा और अभी मेरी आत्मा के बेहद करीब होंगे, शरीर में घुसने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं अब मेडिटेशन नहीं करूंगा। मैंने रात के समय मेडिटेशन की थी और भैया बताया करते थे रात को कभी मेडिटेशन नहीं करनी है। मैं बहुत डरा हुआ था और इसके बारे में भैया से जिक्र भी किया था और भैया ने एक आसान उपाय बताया था। आसान है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेडिटेशन करना कुछ समय के लिए छोड़ दो। उन्हें लग रहा होगा तुम्हारे शरीर के अंदर आना आसान है, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग है ना, मेडिटेशन करनी नहीं है, दूसरी दुनिया में जाना ही नहीं है, कुछ सालों तक छोड़ दो। मैं कहता हूँ 1-1.5 साल के लिए छोड़ दो, वो आत्मा खुद ही काले समंदर में चली जाएगी और वहाँ खींची जाएगी। अब मैंने ठान तो लिया था कि मेडिटेशन से मैं अपनी आत्मा को शरीर से बाहर नहीं करूँगा, लेकिन अब ख्याल था कि समय बिताया कैसे करूँगा, लोगों को मेडिटेशन सिखाया कैसे करूंगा और नई चीज़ कैसे सीखूंगा। तो भैया जब सेंटर में थे तब मैंने उनसे कहा, मुझे लैब का दरवाज़ा खोल दो, वहाँ पर से मैं कुछ जानना चाहता हूँ, उन किताबों को पढ़ना चाहता हूँ। भैया हमेशा मुझे मना करा करते थे, वो हमेशा कहा करते थे कि लैब में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, उन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, वहाँ जानकारी बहुत खतरनाक है, तुम गलत इस्तेमाल कर सकते हो या तुम्हारा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैंने तो ऐसे ही पूछा था, भैया ने हाँ कर दिया। वो मेरे साथ लैब में आए, उन्होंने अंगूठा लगाया और पासवर्ड चेंज करके मेरे फिंगरप्रिंट लगा दिए। वो पूरी लैब उन्होंने मुझे दे दी थी और मैं हैरान परेशान समझ से बाहर था, ये हुआ क्या है। उस दिन मुझे एहसास हुआ था जैसे ये अजय भैया नहीं है। कुछ समय से मुझे लगा करता था कि ये अजय भैया नहीं है, इनकी आवाज़ बदली है, इनके विचार बदले हैं, सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है, जैसे ये कोई और ही हो। उस दिन जब वो लैब से बाहर गए थे तो मैंने ठान लिया था कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगानी होगी। अंदर ढेर सारी किताबें थी, मेडिटेशन के पार कितनी दुनिया होती हैं, काली अंधेरी दुनिया के रास्ते, वहाँ का ज्ञान सब कुछ उन किताबों में था और मुझे पढ़कर वो सारा ज्ञान पाना था, मुझे सच्चाई जाननी ही थी। अजय भैया कभी मुझे इस लैब में घुसने नहीं देते, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ पर बहुत खतरनाक किताबें हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है और वो मुझे इन किताबों को पढ़ने नहीं देना चाहते थे। ये अजय भैया नहीं हो सकते, ये तो बड़ी आसानी से इसका पासवर्ड ही मुझे देकर खुद यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उस दिन लैब के अंदर मैं एक एक करके किताबों को टटोल रहा था, मैं काली दुनिया की जानकारी लेना चाहता था, मैं दूसरी पलटी दुनिया की जानकारी लेना चाहता था, मैं काले समंदर की जानकारी लेना चाहता था। मैं किताबें अपने सामने खोलता रहा,
पन्नों को पढ़ता रहा और मेरे सामने एक एक करके सच्चाई आना शुरू हो गई। कई किताबों में तो काले समंदर के पार की दुनिया को भी बताया गया था और वो कितनी खतरनाक है ये भी बताया गया था, लेकिन एक किताब में मैंने ये पढ़ा कि हमारे शरीर का लिंक हमेशा आत्मा से मोटा ही रहता है, वो कभी पतला नहीं होता भले ही हम किसी भी दुनिया में चले जाएं। जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, जुड़ाव टूटता है, तो उसे मौत कहा जाता है। कभी भी वो लिंक पतला नहीं होता। पतला लिंक तब होता है जब कोई और आत्मा उस शरीर से जुड़ी होती है जो इसकी असली मालिक नहीं होती। इन पन्नों को पढ़कर जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने ऐसे पतले लिंक को ही तो फॉलो किया था। वो सफेद रोशनी, वो सफेद आत्मा, वो अजय भैया की नहीं थी, किसी और की थी। किसकी किसकी आत्मा को मैंने अजय भैया के शरीर में डाल दिया है? इसीलिए मुझे शुरू से लग रहा था ये अजय भैया नहीं है। मैंने गलती से अजय भैया के शरीर में किसी और आत्मा को डाल दिया है और अजय भैया की आत्मा अब भी भटक रही होगी उस दुनिया में। मैंने कुछ और किताबों को टटोला और ये जानना चाहा, क्या लिंक हमेशा के लिए टूट गया है? क्या अजय भैया की आत्मा अब वापस आ भी सकती है? और मुझे पता लगा कि वो लिंक हमेशा बना रहता है। जो असली मालिक होता है वो आत्मा के साथ हमेशा लिंक बनाए रखता है। वो शरीर हमेशा उसी आत्मा का होता है, भले ही घुसपैठिया कितने भी समय से उससे जुड़ा क्यों ना हो। अब मुझे और जानकारी चाहिए थी लेकिन तब भी मुझे महसूस होता रहा जैसे यहाँ आसपास कोई है। ठंडे एहसास हो रहे थे जब मैं उन किताबों को पढ़ रहा था। मैं सोचने को मजबूर था, ये कौन है? क्या ये सच में प्रेत है या हो सकता है ये अजय भैया की आत्मा ही हो? मैंने कुछ किताबों में पढ़ा था कि किसी और की मदद के बिना कोई दूसरी आत्मा शरीर में नहीं आ सकती, तो अगर ये प्रेत हैं भी तो मेरे शरीर में नहीं घुस पाएंगे। मैं एक बार जान जरूर लूं। इसके बाद मैं मेडिटेशन करने लगा। 20 मिनट बाद ही मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल आई थी, लेकिन मैं आसपास देख पा रहा था कोई और आत्मा वहां पर नहीं है। भैया की आत्मा भी वहां पर नहीं थी। मुझे अंधेरी दुनिया से आगे निकलना था। मैंने फिर से कदम रख दिया अंधेरी दुनिया में और मेरी दुनिया का समय रुक गया था। अंधेरी दुनिया को पार करते हुए मैं पलटी दुनिया में पहुंचा और वहां पर घड़ी की सुई उल्टी चल रही थी। वहां उड़ते हुए कण दिख रहे थे और मुझे मेरे शरीर के पास ही भैया की आत्मा दिखी। वो सफेद आत्मा मेरे शरीर के आसपास भटक सी रही थी। मैं जानता नहीं था कि वो भैया की आत्मा ही है, लेकिन मुझे लग रहा था ये भैया की आत्मा है। तभी मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया। मैंने पहले ऐसी बातें की जो सिर्फ भैया जानते थे और उनके जवाब जब मुझे वही मिले तो मैं पहचान गया ये भैया की आत्मा ही है। वो मध्यम मध्यम आवाज में मुझे जवाब देते रहे और मैं एक एक करके सवाल दागता रहा। पहले तो मैं गुस्से में था, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने शरीर से इतनी दूरी बनाई क्यों? और काले समंदर में कौन जाता है? आपने तो मना किया था कि कोई काले समंदर में नहीं जाना चाहिए, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है, बहुत खतरनाक आत्माएं होती हैं, शैतान होते हैं, और काले समंदर के जो रखवाले हैं वो यमदूत जैसे होते हैं, वो वापस नहीं आने देते। तो मुझे भैया ने जवाब देना शुरू किया, नहीं मैं काले समंदर के पार नहीं गया था, मैं तो पलटी दुनिया में गया था कुछ इतिहास की जानकारी लेने के लिए। मुझे कुछ समय से महसूस हो रहा था कोई आत्मा जैसे मेरे करीब है। मैंने कई टेस्ट किए तो मुझे लग रहा था ये डॉक्टर राजन की आत्मा है। पहले पहले मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर राजन शायद मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए मैंने अपने शरीर को छोड़ा था। मैं आत्मा को पलटी दुनिया में लेकर गया था और वहां भी मुझे डॉक्टर राजन की आत्मा नजर नहीं आई थी। और वहां से मैंने काले समंदर के बिल्कुल किनारे की तरफ अंदर देखना शुरू किया। मैं डॉक्टर राजन से बात करने की कोशिश कर रहा था और तभी मुझे महसूस हुआ डॉक्टर राजन मुझसे क्या चाहते थे, वो मुझे अपना शिष्य क्यों बनाए हुए थे। वो मेरे शरीर को चाहते थे, उन्होंने मुझे पूरा ज्ञान दिया था। उन्होंने 50 सालों में यह सीख लिया था शरीर को हमेशा जवान नहीं रखा जा सकता। वो मेडिटेशन किया करते लेकिन शरीर तो बूढ़ा होता जाता।
इसीलिए उन्होंने खुद ही शरीर को छोड़ दिया था, लेकिन अपनी आत्मा को इस काले समंदर के बिल्कुल करीब ही रखा था। काले समंदर से यहाँ आना बिल्कुल नामुमकिन के समान है। यहाँ पर कुर्बानी देनी पड़ती है किसी और आत्मा की। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई मरा हुआ वो शरीर को छोड़ चुका है, तो जो यमदूत होते हैं वो आत्मा को नया शरीर इतनी आसानी से देने नहीं देते, किसी और के शरीर को हड़पने नहीं देते। लेकिन डॉक्टर राजन 50 सालों से मेडिटेशन करके ये जान गए थे कैसे सब कुछ किया जा सकता है। उन्होंने मुझे सभी ज्ञान दिया, सब कुछ बताया और ये भी कहा था धीरे धीरे सीखते जाना ताकि मैं इस तरह काले समंदर के पास जाता जाऊं। वो बस मेरा इंतज़ार कर रहे थे और उस दिन मैं जब उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने मुझे भी काले समंदर में खींच सा लिया। जैसे ही मैं काले समंदर में गया वो पलटी दुनिया में आ गए और मैं समझ गया था मेरी कुर्बानी हुई है। वो पलटी दुनिया में मुझे यहाँ छोड़ आए थे। मेरा लिंक मेरे शरीर के साथ था लेकिन उसमें ऊर्जा नहीं थी, इसलिए मैं खींच कर वापस नहीं आ सकता था। मुझे ज़रूरत थी किसी और की। मुझे पता था तुम मेरी मदद करोगे लेकिन मैं तुम्हें कभी फंसाता नहीं। मैं इसी तरह से मौत को करीब से देख पाता और इस दुनिया को छोड़ देता। लेकिन उसके बाद डॉक्टर राजन ने तुम्हारा इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को मेरे शरीर में डाल दिया और वहां से मेरा लिंक भी ऊर्जावान हो गया। मैं जान गया था क्या क्या हो रहा है। हमारे शरीर में जो होता है हमें पता चल ही जाता है। मैं काले समंदर में तो पहुंच गया था लेकिन मैं जिंदा था, इसलिए यमदूत मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे और मैं काले समंदर से अब सिर्फ पलटी दुनिया में ही आ सकता था, इस दुनिया में नहीं आ सकता, अपने शरीर के अंदर नहीं आ सकता। अगर तुम मेरी मदद करो तभी मैं अपने शरीर के अंदर आ सकता हूँ, और अगर मैं अपने शरीर के अंदर आ गया तो डॉक्टर राजन सीधा काले समंदर के पार जाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी, इससे जो आगे की दुनिया है वहां पर भेजा जाएगा उन्हें। तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना होगा, तो वहां पर मुझे अजय भैया ने बताया, देखो ध्यान रखना अभी भी तुम मुझे दुनिया में ले जा सकते हो लेकिन वहां पर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर राजन भी सब कुछ जानते हैं वहां क्या हो रहा है, उनकी आत्मा का जुड़ाव भी मेरे शरीर के साथ है, तो वो जानते हैं यहां पर भी क्या हो रहा है। तुम्हें अब जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर भी वो अपना निवास बना सकते हैं या किसी प्रेत को ही भेज सकते हैं। उनके पास मुझसे ज्यादा ज्ञान है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो मैंने कहा लेकिन मैं आपकी आत्मा को आपके शरीर में कैसे डालूंगा। तो भैया ने कहा उन किताबों को पढ़ो, उनमें कुछ ना कुछ मिलेगा, यहां से जल्दी निकलो, मुझे डर लग रहा है, तुम भी यहीं फंस गए तो हमारा वापस जाने का कोई चांस नहीं बनेगा, जल्दी करो। मुझे लगता है कि डॉक्टर राजन भी मेडिटेशन करना ना शुरू कर दें और वो रात को मेडिटेशन करेंगे, उनकी आत्मा काले समंदर के पार से आई है और वो बहुत कुछ जानते होंगे, जल्दी निकलो यहाँ से। तभी मैं पलटी दुनिया से जल्दी जल्दी करके काली दुनिया में पहुंचा। उन काले रास्तों के सहारे मैं जल्दी से अपनी दुनिया में आ गया और मेरा शरीर सामने था। मैंने तब एक काले रंग की परछाई देखी जो मेरे शरीर का गला घोंट रही थी। मैं जल्दी से अपने शरीर में घुस गया और घुसते ही बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत समय से मेरी सांस रुकी हुई हो, लेकिन मैंने जल्दी झटके में इधर उधर भागना शुरू किया, सांस ली और तब जाकर मैं महसूस कर पाया कोई मेरा गला घोंट कर मुझे मौत के घाट उतारना चाहता था। ये कोई जिंदा इंसान नहीं था, ये ज़रूर कोई आत्मा थी जो शरीर से बाहर होकर आई थी, और यहाँ पर मुझे मारना कौन चाहेगा जिसके पास मेडिटेशन की सारी टेक्निक्स हों। ये डॉक्टर राजन ही होंगे जो अजय भैया के शरीर को छोड़कर यहाँ मुझे मारने के लिए आए होंगे। उन्हें पता लग गया होगा मैंने अजय भैया को ढूंढ लिया है, इसलिए उसे डर होगा कि मैं वापस उनकी आत्मा को उनके शरीर में ना डाल दूं और इसके बदले में उन्हें सजा मिलेगी यमदूतों की काले समंदर के पार। मैं बड़ी मुश्किल से सांस ले पाया था और भागा था तब मैं लैब की तरफ भागा था और उन किताबों को टटोलना चाहता था। मैं जानता था जो करना है जल्दी करना होगा, अगर यहाँ डॉक्टर राजन ने कुछ किया या वो ही तो मालिक हैं इस लैब के, अजय भैया के शरीर में वही मौजूद हैं और यहाँ से मुझे किताबों को ढूंढने से भी रोक सकते हैं। जल्दी जल्दी से वहां पर मैंने किताबों को टटोलना शुरू कर दिया और रास्ता ढूंढ रहा था कैसे आत्मा को वापस उसी के शरीर में भेजा जाए। तो वहां बताया गया था
कि पानी के अंदर से सफ़र करना होगा। पानी के अंदर से जो बुरी आत्मा होती है वो छू नहीं पाती। मुझे अपने शरीर को पानी में डुबाना होगा, लेकिन पानी इतना होना चाहिए कि मैं खुद ना डूब जाऊं, क्योंकि मेरे शरीर में ऑक्सीजन भी आनी चाहिए। मैं अगर डूब गया तो सांस नहीं लूंगा और मेरा शरीर मर जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। मैंने बाथ टब में इतना पानी भर रखा था कि ना तो मैं उसमें डूबता और ना ही मैं बिल्कुल सूखे में कहलाता। मेरा शरीर भीगा हुआ था और वहां पर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की थी। मैं इसी के सहारे उस पलटी दुनिया में पहुंचा था अजय भैया की आत्मा के पास, और मुझे देखकर अजय भैया भी तैयार थे। मैंने उस लिंक पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वो मोटा लिंक अजय भैया के शरीर की तरफ जाता था। मैं उनकी आत्मा को पकड़े हुए उन्हीं के शरीर की तरफ जा रहा था, और तभी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे शरीर का जो लिंक है वो थोड़ा सा पतला हो रहा है। जैसे ही मैं अपने दुनिया के करीब पहुंचा था तो भैया बता रहे थे, ये डॉक्टर राजन है, वो अपना शरीर लेकर तुम्हारे पास पहुंच गए हैं, वो तुम्हारा गला घोंट रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो। मेरी आत्मा की आगे बढ़ने की भी एक रफ्तार थी, और मैं जल्दी से अपने उस शरीर के पास पहुंचा तो मैं देख रहा था अजय भैया का शरीर दोनों हाथों से मेरा गला घोंट रहा था। मैं मरने की कगार पर था और वो लिंक बहुत कमजोर हो चला था, सांस मेरी बिल्कुल बंद होने को थी। मैंने अजय भैया की आत्मा को जल्दी से उस शरीर के अंदर फेंका और मैं खुद अपने शरीर के अंदर चला गया। मुझे जैसे ही होश आया बिल्कुल सांस रुकी हुई थी, मेरी आंखें बाहर निकलने को आ चुकी थी, आंखें दर्द कर रही थी, और तभी वो पकड़ थोड़ी सी ढीली हुई। मैं बिल्कुल पानी के अंदर था और बाहर निकलकर सांस ले रहा था, और एक सांस बिल्कुल भारी सी निकली थी मेरी, जैसे बस जान निकलने वाली थी। कुछ सांसें ली तब जाकर मुझे महसूस हुआ अच्छा। उसके बाद सामने शरीर था अजय भैया का, और वहाँ पर बैठे वो मेरी तरफ इस तरह से झांक रहे थे जैसे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ हो। उसके बाद उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई, लेकिन मैं अब भी डरा हुआ था, ये अजय भैया ही हैं या डॉक्टर राजन है। लेकिन तभी ऊपर लगे वो बल्ब तेजी से झपकना शुरू हो गए। वो बल्ब कुछ समय बाद फट ही गए थे और कमरे में अंधेरा सा हो गया था। हर चीज हिल रही थी जैसे भूकंप आया हो, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन अजय भैया ने बातों बातों में मुझे बताना शुरू कर दिया, डर लग रहा है ना, डर लग रहा है ना, तुम्हें पता है यहां पर कौन मौजूद है? यमदूत। यहाँ यमदूतों की भीड़ भरी पड़ी है और वो डॉक्टर राजन की आत्मा को नोच रहे हैं। वो नोच रहे हैं उस गलती के कारण जो उन्होंने की है। काले समंदर के पार गई मरी हुई आत्मा वापस नहीं आ सकती, वो एक शैतान की तरह बन जाती है, और यमदूत उसे वापस हमारी दुनिया में भेजना नहीं चाहते। वो चालाकी से आ जाते हैं, और जब वो पकड़े जाते हैं तो सजा भी भारी मिलती है। यमदूत उसकी आत्मा को नोच रहे हैं और ऐसी ऊर्जा निकल रही है, देखो हर चीज हिल रही है ना, डर लग रहा है ना, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बस मरने वाले हैं, क्योंकि यमदूत जब आते हैं ऐसा एहसास देकर जाते हैं। हर किसी को आसपास ऐसा एहसास होता है जैसा हम महसूस कर रहे हैं, बस मरने जैसा एहसास है ये। सच में मेरा शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है। मेडिटेशन के वक्त भी ऐसा एहसास नहीं होता जैसे निचोड़ी जा रही हो आत्मा, ये यमदूतों के कारण है। लेकिन वो हमें कुछ कर नहीं रहे थे, बस पास होने के कारण ही ऐसा एहसास दे रहे थे। और कुछ समय बाद हालात बिल्कुल सही हो गए। अब मैं अजय भैया की तरफ देख रहा था और मेरी सेहत बिल्कुल ठीक सी हो गई थी। हम बातें करते हुए उस कमरे से बाहर आ गए थे, और मैंने अब भी अजय भैया पर शक करना छोड़ा नहीं था। कुछ दिनों तक मैं उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछता जिसका जवाब अजय भैया के पास ही था, और वो भी जवाब देते रहते, लेकिन बार बार कहते, यार तुम्हारा ये शक खत्म कब होगा, तुम सवाल पूछते रहते हो, मैं जवाब देता रहता हूँ, लेकिन अब यार थोड़ा सा उबने लगा हूँ, मैं अजय ही हूँ यार, अब मुझे पता है तुम मानने वाले तो हो नहीं, इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा कम पूछा करो यार, भरोसा करो, मैं अजय ही हूँ, कुछ खास पूछ लो एक बार, भरोसा बना लो। उन्होंने ये बातें तो कही थीं, लेकिन मैं फिर भी 15-20 दिन उनसे सवाल पूछता ही रहा था। मुझे यकीन था ही नहीं कि वो अजय भैया हैं, मैं बस शक के सहारे बार बार सवाल पूछता रहता, डरा रहता, और वो भी जवाब देते रहते।
हम अब भी इस मेडिटेशन सेंटर को चलाते हैं और अब भी मेडिटेशन करते हैं। अब हम हमारी इस दुनिया से ज़्यादा आगे नहीं जाते क्योंकि हमें ज़िंदा रहने का शौक है। जो कुछ हमने देखा था वो बहुत भयानक सा था और अजय भैया कहते हैं कि हमें मेडिटेशन के ज़रिए यहीं पर खुश रहने की कोशिश करनी होगी, दूसरी दुनिया में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। मैं अब भी मेडिटेशन करता तो हूँ लेकिन अब अपने शरीर से आत्मा को बाहर नहीं निकालता और मेरा मानना है अब इस शरीर से आत्मा तभी बाहर निकलेगी जब मेरी मौत होगी, उससे पहले मैं निकालना नहीं चाहूँगा। फिर भी कभी कभी मन में सवाल आता ज़रूर है कि उस काले समंदर में होता क्या है। मैं बिल्कुल किनारे तक पहुँचा था, वहाँ से अगर डॉक्टर राजन वापिस आ सकते हैं तो क्या उसके पार की दुनिया से वो दोबारा वापस नहीं आ सकते? इतना ज्ञान रखने वाला इंसान दोबारा कोशिश तो जरूर करेगा ना।